नमस्कार, मैं हूँ सैफ। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। देखना यह है कि 2024 का इलेक्शन नज़दीक है और ऐसे में इंडिया वर्सेस इंडिया हो रहा है, मतलब एनडीए वर्सेस इंडिया, यानी कि जो महागठबंधन है, इंडिया वाले एक तरफ हैं और एक तरफ एनडीए वाले यानी कि बीजेपी के समर्थक गण हैं। अब देखना हमें यह है कि आने वाला 2024 में किसकी सरकार बनती है। इन तमाम चीज़ों पर यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसे देखते हैं 2024 में, किसे देख रहे हैं। AIIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इंडिया में दो पार्टियां हैं, एक दुकानदार पार्टी है, एक चौकीदार पार्टी है। इंडिया को उन्होंने दुकानदार पार्टी कहा और एनडीए को उन्होंने चौकीदार पार्टी कहा, और यही दोनों में सामना होना है। आखिर चौकीदार ठीक है या दुकानदार ठीक है, कौन ठीक है? भाई दुकानदारी तो ठीक बात नहीं है, तो चौकीदारी ठीक है, लेकिन कहा जाता है चौकीदार चोरी करता है। हाँ, मैं आपको बता दूं, पटना हाई कोर्ट के एक जज ने रिमार्क किया 1982-83 की, मैं बता रहा हूँ कि आउट ऑफ टेन थाउजेंड 9,999 दरोगा आर करप्ट, करप्ट है। 10,000 में से 9,999 दरोगा भ्रष्ट है, सचमुच में भ्रष्ट है। आप चलना चाहिए थाना, आप चलना चाहिए FIR लॉन्च करवाने, चलना चाहिए प्राथमिकी दर्ज कराने, आपका हो जाएगा क्या? बिना चढ़ावा चढ़ाई ले होने वाला है नहीं होगा। ना श्रीमान, चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, चढ़ावा तो चढ़ाना ही पड़ेगा। क्या ये चीजें लीजिए, अब तो और भयंकर। अब देखिए, नेचर और सिग्नेचर वा कभी नहीं बदलता। अच्छा, हाँ, तो नेचर व सिग्नेचर कैसे बदल जाएगा भला? कैसे बदलेगा, समझिए ना। तो और क्या बिहार में अब भी घुसखोरी है? घुसखोरी है? आप पत्रकार न है? हैं, आप पूछ रहे मुझसे? अरे चरम सीमा पे है घुसखोरी जी। सुनिए, 100 में 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। तब चरम सीमा पे कौन सा विभाग, कौन क्या कुछ कहना चाहिएगा 2024 को लेकर? देखिए, जर्नलिज्म को क्या फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी ऐसा कुछ कहा जाता है। तो मैं एक्चुअली आज ही कलकत्ता से आया और अभी लौट भी रहा हूँ, मेरा पूरा दिन का काम है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। अच्छा लग रहा था, कुछ एजिटेटिव बातें हो रही थी, क्योंकि एक जर्नलिस्ट का मर्डर बहुत इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट है, खराब अच्छा ये सब नहीं बोलूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट है। जर्नलिस्ट जो होता है अगर वो अनबायसली काम करे, पर देखिए उसका भी बॉस रहता है, यहाँ पे जितना कुछ हो रहा है उनमें से बहुत कुछ काट पीट के दिखाया जाएगा। अगर इनके ऊपर कोई है उनका भी बॉस होता ही है, पर फिर भी जर्नलिज्म अगर उसका फ्रीडम क्राइसिस में है, डेंजर में है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं बिहार के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, मैं इधर का हूँ नहीं, मैं बंगाल के बारे में 2024 में जानता हूँ। 2024 में हमारे हिसाब से तो पढ़े लिखे इंसान को बनाना चाहिए, राहुल जी या मोदी जी? मोदी जी पढ़े लिखे हैं, मोदी जी पढ़े लिखे हैं। कहाँ से ग्रेजुएशन किया उन्होंने? ग्रेजुएशन कहाँ से किया इतना? मोदी जी या राहुल जी? अब देखिए, सत्ता परिवर्तन अगर होगा तो राहुल जी आ सकते हैं। किसे चाहिएगा आप? अब देखिए, वोटिंग के ऊपर है, वोटिंग के ऊपर है। इंडिया ना, इंडिया 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 को क्यों देख रहे हैं? क्यों देख रहे हैं? बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। बिल्कुल, महंगाई चरम सीमा पे है, चरम सीमा पे है। आप जैसे में भी वैसे भी जो मोदी जी आए थे ना बिहार, तो पहले कहते 125 करोड़ का सौगात देंगे, और क्या बोले थे कि बिहार का DNA खराब है। नहीं सुने थे आप लोग? कौन बोला था ये बात, बिहार का DNA खराब? मोदी जी ने? मोदी जी ने बोला था। तेज बोलिए, बिहार का DNA खराब है, कौन बोला था? मोदी मोदी जी ने बोला था। अगर हमारे नीतीश बाबू को बोल दिए तो सबको बोल दिए। अच्छा, आपके किसी घर में एक गार्जियन को बोल दिया तो वो सबको बोल दिए। तो बिहार का DNA अगर नीतीश बाबू को बोलने, समझिए हमको भी बोल दिए। राजा तो मेरे वो है ना, हम तो प्रजा है, अगर उनको बोल दिए तो सबको बोल दिए। दूसरी बात, 125 करोड़ का सौगात देने वाले थे, चला गया। दरभंगा में एम्स बन रहा है, वो भी गया, समझे। महंगाई चरम सीमा पे, गैस तेल आटा चीनी वगैरह वगैरह सब कुछ देख लीजिए। ये मोदी जी की बस की नहीं है, मोदी जी की बस की है खाली विदेश यात्रा करें, इंडिया में लोग भूखे मरे उसे मतलब नहीं है। क्या कुछ कहना चाहिएगा 2024 में, किसे देख रहे हैं बाबा, किसे देख रहे हैं 2024 में? मोदी जी, राहुल जी? मोदी जी को देख रहे हैं। मोदी जी, मोदी जी क्यों? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, खराब थोड़ा कर रहे हैं। हाँ, क्या अच्छा किए मोदी जी? बहुत अच्छा काम किए हैं। क्या? बहुत अच्छा किए हैं। क्या बोलिएगा ना, क्या अच्छा किया है? कश्मीर अपना ले लिए। अच्छा, बहुत ऐसा ऐसा काम किए हैं, कश्मीर ले लिए, बहुत अच्छा कर दिया। तब
कश्मीर में आपने जमीन खरीद लिया है? खरीदे नहीं है, हमारे हिंदुस्तान के हैं ना आदमी। आपने जमीन खरीदा है? नहीं, हमने नहीं खरीदे हैं। फिर क्या मतलब वहाँ पर कितने लोग जाके बस? ऐसा ऐसा बहुत किया मोदी जी। कैसे कितने लोग जाके बस गए पता है? अरे वहाँ के जो हिंदू थे वो कम से कम अच्छा से है ना। अब हिंदू ठीक है तब आप हिंदूवादी को बढ़ावा देते हैं? नहीं उस बात नहीं, जो किए हैं सब अच्छा किए। पांच काम गिनवाइए इनसे, मात्र पांच काम देखिए है कोई पांच काम।